सर चिकन छोड़ो किलो करो आप आ जाओ ना नगर की मांग एवं समाज सेवा के लिए 3 वर्ष पूर्व लोकसभा जन कल्याण सेवा समिति का गठन किया गया। समिति के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की सेवा कर आत्मिक संतुष्टि मिलती है। समिति द्वारा रोगी व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए हर माह नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन समितियों द्वारा करवाया जाएगा। साथ ही सेवा कार्य करके हमारी समिति के साथ में संकल्पित और नगर के सभी प्रबुद्ध जन हमारे साथ पूरा सहयोग करते हैं। आज समिति में क्या पद आपका? जी मैं अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ। शुभ नाम? सत्यनारायण कालिका। धन्यवाद। लोसल जल कल्याण समिति कितने वर्षों से कार्य करी, अभी तक संगठित रूप में होकर कितने ऐसे सामाजिक कार्य किए, इनका थोड़ा क्या ब्यौरा रहेगा? लोसल जन कल्याण सेवा समिति 13 सितंबर 2015 को सर्व समाज को साथ लेकर गठित की गई थी, जिसमें 30 सदस्य थे हम, और आज अल्प समय में 3 वर्षों के समय में हमारा 3रा वर्ष है। इसमें समिति के 60 सदस्य हैं और हमने पैसों के माध्यम से हमें ज़रूरत पड़ी तो हमें सत्यनारायण जी कालिका का हमने सहयोग लिया और उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। और सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात यह है कि 13 सितंबर को मेरा जन्मदिन भी आता है, उसी दिन इस समिति का गठन किया गया था, जिसमें 3 वर्ष के अल्प समय में समिति ने समय समय पर जो भी आवश्यकताएं पड़ी या हमें ज़रूरत लगी जिस हिसाब से, तो जैसे लोसल में समिति अभी 10वां रक्तदान शिविर लगवाने जा रही है, 5वां नेत्र चिकित्सा शिविर जो आज आपके सामने चल रहा है और आप लाइन देख रहे हैं, इसके अलावा समिति ने शिक्षा और चिकित्सा के रूप में कार्य करने का बीड़ा उठाया है। तो शिक्षा के रूप में समिति ने समय समय पर बालिका विद्यालय जो कि एकमात्र राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय है उसमें समिति द्वारा इन्वर्टर की व्यवस्था करवाई गई है। अभी समिति के स्थापना दिवस 13 सितंबर 2018 को समिति द्वारा बालिकाओं को गोद लेने का कार्यक्रम भी रखा गया है। इसके अलावा समिति ने जैसे बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विजयोत्सव के रूप में लोसल में उनका एक कार्यक्रम आयोजित करवाया था, साथ ही उस स्कूल में उर्दू स्कूल भी संचालित है, तो उर्दू स्कूल के बालिकाओं को वहाँ पर कॉपी किताब बैग ड्रेस वगैरह वितरित करवाई गई थी। इसी तरीके से लोसल में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, 28 आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के शारीरिक पोषण को ध्यान में रखते हुए वजन तोलने की मशीनें भी स्वास्थ्य मापन के लिए प्रदान की गई थी। इसके अलावा दरी पट्टियों का वितरण करवाया गया था समिति के द्वारा, उन आंगनबाड़ी के बच्चों को ड्रेस वितरण भी करवाई गई थी। पर्यावरण प्रेमी होने के नाते वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी हरियालो राजस्थान के माध्यम से समिति द्वारा करवाया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में समिति द्वारा 2 10-दिवसीय मसा कैंप का आयोजन करवाया गया और समिति को जो एक पहचान मिली है, एक अलग नया रूप निकल के आया है, वो समिति को मसा कैंप के माध्यम से मिला। 10 दिवसीय मसा कैंप की जो व्यवस्थाएँ थी, राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र से कोने कोने से यहाँ पर मरीज आकर गए थे और करीब 200 रोगियों का 4 सूत्र विधि के माध्यम से सफल इलाज करवाया गया। उसी दौरान समिति ने लोसल की मांग को ध्यान में रखते हुए एक एम्बुलेंस प्रदान की गई थी जो कि अभी नगर में संचालित है, निशुल्क रूप से सभी के हर दुख सुख में भागीदार रहती है। इसी के साथ में समिति द्वारा समय समय पर जनसेवार्थ कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं, भाईचारे को सौहार्दतापूर्ण ध्यान में रखते हुए सौहार्द बनाए रहे, समरसता को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा रोजों के रमजान के पर्व पर रोजा इफ्तार की पार्टी देकर भी समिति ने अपना योगदान दिया। इसी तरीके से होली में सभी को एक साथ सर्व समाज को शामिल करते हुए नाश्ते का प्रोग्राम भी रखा गया था और समिति राजनीतिक सरोकारों से परे हटकर सर्व समाज को साथ लेकर के सामाजिक सौहार्द के साथ कार्य कर रही है। इसमें सर्व समाज का हमें सहयोग भी मिल रहा है और आसान्वित है और अल्प समय में समिति ने एक अपनी अलग पहचान छोड़ी है जो कि आज राजस्थान में लोसल जन कल्याण सेवा समिति के नाम से प्रचलित है, प्रसारित है, और समय समय पर हम नगर की मांग को ध्यान में रखते हुए आगे भी इसी तरीके के कार्य करते रहेंगे, समाज सेवा के कार्य करते रहेंगे। बाकी आप और कुछ हमसे पूछना चाहते हैं या आपको समिति के बारे में जो भी कुछ लगे या हमारी भावी योजनाओं के अंदर जैसे समिति का
ऐसा लगता है कि यहाँ पे हर महीने या हर दो तीन महीने बाद में एक शिविर लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनको पहले इलाज की जरूरत थी लेकिन उनको नहीं मिल पाया टाइम पे, तो अभी बड़ी दिक्कत हो रही है उन मरीज के लिए। लोसल में ऐसे शिविर हर साल लगने चाहिए? हाँ बिल्कुल लगने चाहिए, हर साल नहीं तो छः महीने बाद में तो लगना ही चाहिए। मरीजों की कितने की संख्या आज आपने देखी कि यहाँ पे? यहाँ पे तो अभी तो 300 तक तो पेशेंट मैंने देख लिए हैं, अभी तो 200-300 पेशेंट और होंगे। आप शुभ नाम? मेरा डॉक्टर सौरव। कहाँ से? श्री गंगानगर से। बहुत ही अच्छा और सुंदर चल रहा है, पूरे लोसल के गणमान्य लोगों का हमें सहयोग मिल रहा है, और जिस प्रकार आप देख रहे हो कि लोगों की जो रोगियों की लाइन लगी हुई है, वो रोगी हमसे आशा लेकर आए हैं कि यहाँ इलाज करा कर जाए। और हमारा जो पिछला कैंप बाबा केवादास पीजी कॉलेज में लगा था, उसका जो आउटपुट आया है वो बहुत ही सुंदर है, उसका परिणाम आज आप देख रहे हो। पूरे जो हनुमान धर्मशाला है उसमें लाइनें लगी हुई हैं और रोगी आए हुए हैं इलाज के लिए आशा लेकर कि हमारा वहाँ इलाज होगा। और हम भी पूरी समिति के लोग ये चाहते हैं कि इनका अच्छे से अच्छा इलाज हो और अच्छे से अच्छा इनका उपचार हो, इसके लिए हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे और हमारा आगामी कैंप एक श्रृंखला के रूप में हम चलाएंगे जिससे सभी रोगियों को लाभ हो। धन्यवाद। सत्यनारायण रोलन, संगठन मंत्री, लोसन जनकल्याण सेवा समिति। नेत्र जो शिविर लगा हुआ है जनकल्याण सेवा समिति का एक ट्रेंड बन गया है, यदि ये कोई भी शिविर लगाती है तो लोगों में विश्वास हो गया है ये शिविर अच्छा ही लगेगा, यहाँ की व्यवस्थाएँ अच्छी है और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, इनकी टीम के जो कार्यकर्ता बहुत अच्छा मेहनत करके हर आदमी को, यहाँ कोई पदाधिकारियों वाली सी बात नहीं रहती है, समिति के जितने भी कार्यकर्ता है वो बहुत अच्छा सहयोग करते हैं, जो पेशेंट आते हैं, मसा कैंप हो, रक्तदान शिविर हो, नेत्र चिकित्सा शिविर हो, सब मिलजुल के काम करते हैं। इनको फाइनेंस की व्यवस्था भी कैसे करते हैं इनकी व्यवस्था है, लेकिन देखते हैं कि हमारे लोग बाग इनको फाइनेंस जब करते हैं तो वापस करते रहते हैं, वो संतुष्ट होते हैं इन शहर की चीज़ के लिए। और यहाँ एक बार जो इन समिति में कोई पेशेंट आ गया, वो जाके अभी तक तो इनकी बड़ाई की है, भाई वहाँ अच्छी व्यवस्था है, डोर टू डोर इनका माउथ टू माउथ जो प्रचार होता है पेशेंटों से वो बहुत अच्छा होता है इनका, और सेवाएं बहुत अच्छी होती हैं इनकी, जब भी पेशेंट जाके इनका प्रचार करता है। इनका ये तीसरा जो कैंप है नेत्र जाँच का, उसमें इन्होंने अभी मैंने सुना है भाई 90 ऑपरेशन इन्होंने पहले करवाए हैं, वो सारे सक्सेस हैं। अभी एक महीने पहले हिमादास जी के ऊपर में उसी से आज जो ये भीड़ लगी है उसी की वजह से लगी है, और ये सदैव इसी तरह काम करते रहें, छोटी मोटी छिटाकिसी को दूर हटाते हुए काम करेंगे तो सब होता रहेगा, हटाते हुए सब मिलजुल कर काम करें, सभी धर्म जाति के लोगों को मिलकर लोसल की आबोहवा को अच्छी तरह संतोष पर जवाब देते हुए काम करें। मैं बंटी खेतान लोसल का सभी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ रहता हूँ, लोसल जनकल्याण सेवा समिति में मैं सदस्य नहीं हूँ वर्तमान में, लेकिन मैं सभी लोसल के समाज सेवी संस्थाओं में हमेशा साथ रहता हूँ। मैं वर्तमान में लोसल श्री मदन गौशाला का मंत्री हूँ, मेरा नाम निखिलेश केतान, बंटी मेरे कहते हैं। नाम सोना टाटनवाला है, मैं जन कल्याण समिति की सदस्य हूँ और जब भी कैंप लगता है जितना हो सकते सेवा करती हूँ, पर जन कल्याण समिति के लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है और बहुत कार्य भी हो रहे हैं, संतोष पर कार्य हो रहे हैं, जो भी यहाँ आता है वो ठीक हो ही जाता है, कभी किसी की कोई शिकायत नहीं है कि हमें परेशानी हुई है। बाहर से बहुत से लोग आते हैं वो यही बोलते हैं कि हमें पूरी सुविधा मिल रही है, तो किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है, महिलाओं को या पुरुषों को या बच्चों को किसी को भी कोई शिकायत नहीं है, सबको बहुत सुविधा मिल रही है। जन कल्याण सेवा समिति बहुत सहयोग कर रही है, कहाँ से पैसे आते हैं कैसे लगते हैं ये सब समिति वाले समझते हैं इस बात को, पर सबको किसी बात की तकलीफ नहीं है, तन मन धन से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, पेट भी पूरे होते हैं, यहाँ गद्दे भी पूरे होते हैं, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी होती है, पूरी सहयोग है। सुमितपुर में जिला अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा का सहयोग कैसे, जिन्हें जो भी काम किए हैं जब से समिति बनी है जनहित में, ये हमारे बच्चे ही हैं समझ रही, इन्होंने जो भी किया है एक भी ऐसा बुरा काम नहीं हुआ जिससे किसी को तकलीफ हुई हो, आम जनता को कुछ न कुछ लाभ मिलता ही है, यहाँ जो भी काम कर रहे हैं ना जनता को पूरा लाभ मिलता है, सहयोग सबका रहता है, हमारे पांचारे जो है ना 10-5 आदमी ये पूरा सहयोग करते हैं, पूरा जनता का साथ लेके चलते हैं। नेत्र जांच परामर्श शिविर पहली बार लगाया गया है? हाँ पांचवी बार है, ब्लड कैंप जाता वो भी लगाए, 8-10 बार ब्लड बैंक भी लगा दिया, लेकिन अच्छा करते हैं जी, मेरे को तो कहने का मतलब किसी के मन में कुछ भी हो लेकिन काम ये बच्चे लोग कर रहे हैं ना, मेरे को खुशी है कि कुछ कर रहे हैं गाँव में,
किसी का मनोरंजित नहीं होता है, किसी को कुछ तकलीफ होती है वो अलग बात है, लेकिन बाकी गांव में जो काम हो रहा है अच्छा हो रहा है। जैसे हमारे लोसल में जनकल्याण समिति ने एम्बुलेंस ला रखी है, फ्री सेवा है, सब सब काम फ्री करते हैं। कैसे खर्चा करते हैं, क्या करते हैं, इनकी लीला ये जाने, काम बहुत अच्छा होता है, सेवक जनता का भी बराबर रहते हैं इनके साथ में। मैं जन कल्याण का सदस्य हूँ, तो जो भी कैंप लगते हैं, ब्लड कैंप है और है, जो भी लगते हैं उसमें सम्मिलित रहता हूँ, जितना सहयोग होता है सहयोग करता हूँ। जो आज नेत्र चिकित्सा कैंप लगा है उसमें बहुत बढ़िया है, कैंप भीड़ हो रखी है और सबको पूर्ण विश्वास है कि ये काम बढ़िया होगा यहाँ, इसीलिए यहाँ भीड़ होती है। और पूर्व में जो सांगल्या गुणिदास में सांगल्या में कैंप लगा था उसको इसकी इसका ही परिणाम है आज। शुभ नाम राजकुमार मालचंद का जनकल। Thank you.